नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी माहौल बन चुका है। उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों को लेकर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो 23 जून को यहां पर लोकसभा की 3 सीटें जबकि विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले भी 3 सीटों पर यहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो लोकसभा में किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश और दिल्ली, झारखंड की सीटों पर यहां पर उपचुनाव होने वाला है। तो कितना यहां पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोकसभा की यहां पर 2 सीटें उत्तर प्रदेश की खाली हो चुकी हैं। अगर बात की जाए 1 सीट यहां पर पंजाब की, तो यहां पर तारीखों का ऐलान है। और इनमें आजमगढ़ सीट सपा नेता अखिलेश यादव और रामपुर सीट पर मोहम्मद आजम खान के यहां पर विधानसभा चुनाव जीतने से खाली सीट हुई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भगवत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां से इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में यहां पर लोकसभा की सीटें काफी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि ये 2024 का एक ट्रेलर हो सकता है। आखिर कितना पल रहा, किसका भारी नजर आ रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। यूपी में 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव भी होने हैं और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर एमएलए संख्या है उस हिसाब से यहां पर बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिता सकती है। लेकिन यहां पर जो 11वीं सीट है उसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संख्या बल के आधार पर और यहां पर क्रॉस वोटिंग भी होने के चांसेस यहां पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनाव हो या फिर यहां पर राज्यसभा चुनाव हो, इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधान परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जहां दोस्तों 30 सीटों के लिए जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार विधान परिषद की 30 सीटों के लिए जो चुनावी तारीखों का ऐलान है, यहां पर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। यहां पर लोकसभा चुनाव और यहां पर विधान परिषद और यहां पर राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यूपी में 13 सीटों पर यहां पर विधान परिषद की तारीखों का ऐलान है, महाराष्ट्र 10 और बिहार की 7 सीटों पर। लेकिन 23 जून को होने वाले चुनाव को लेकर क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए पंजाब में, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भगवत मान है उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो संगरूर लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से जो माहौल बना हुआ है इस हिसाब से पंजाब में आम आदमी पार्टी लोकसभा सीट यहां पर जीतती नजर आ रही है। जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, 3 लोकसभा सीटें यहां पर हैं और 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर पंजाब की 1 और 2 यहां पर उत्तर प्रदेश की सीटें खाली हुई हैं। और ऐसे में बात की जाए तो 2 बड़े दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश के लिए माने जाते हैं, रामपुर लोकसभा सीट और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर, रामपुर लोकसभा सीट पर यहां पर आजम खान ने इस्तीफा दिया था विधानसभा के दौरान। और यहां पर बात की जाए आजमगढ़ लोकसभा सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। तो दोनों सीटों पर एक बार फिर से यहां पर उपचुनाव लोकसभा के लिए हो रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान निकल कर आ रहा है। यानी 3 लोकसभा सीटों के जो आंकड़े उसमें अगर बात की जाए तो 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जो पुराने आंकड़े रहे। इससे पहले भी उपचुनाव यहां पर जो है आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुआ था, तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ही कब्जा जमाया था। रामपुर लोकसभा सीट पर भी काफी अच्छे आंकड़े यहां पर समाजवादी पार्टी के रहे हैं। 2 बड़े दिग्गज नेताओं के इस्तीफे से खाली हुए, ऐसे में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लेकिन त्रिपुरा की सीट की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट यहां पर सीपीएम ने जीत हासिल की थी। तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी यहां पर बीजेपी ने बदल दिए हैं, इस कारण यहां पर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। क्या कांग्रेस यहां पर सेनमारी कर पाएगी, यहां पर काफी कुछ हलचल देखने को मिलेगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि त्रिपुरा की अगर बात की जाए, युवराज नगर की विधानसभा सीट पर यहां पर सीपीएम ने जीत हासिल की थी, तो सीपीआईएम जो है आराम से सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की यहां पर आत्मापुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, वाईएसआर कांग्रेस जो है वो यहां पर जीत हासिल करती, इनके ही पाले में सीट 2000 यहां पर जो विधानसभा चुनाव थे उस वक्त जीती थी। ऐसे में उपचुनाव पर जो है आंध्र प्रदेश के लिए वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। जबकि दिल्ली की सीट राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव होना है, राघव चड्ढा के चलते ये सीट खाली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यहां पर कब्जा हो सकता है, आम आदमी पार्टी के विधायक के चलते ये सीट खाली है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का यहां पर कब्जा हो सकता है। जबकि झारखंड के लिए मंदार विधानसभा सीट यहां पर कांग्रेस की खाली हुई है, तो कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो 23 जून को यहां पर 7 विधानसभा और 3 लोकसभा सीट पर यहां पर उपचुनाव होना है और जनता किसके साथ जा सकती है। लेकिन जो अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है, जो पुराने आंकड़े रहे उस हिसाब से अगर बात की जाए
तो यहाँ पर 10 सीटों का जो चुनावी गणित हो सकता है, इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट में सेनमारी लगा सकती है। अब वो कौन सी सीट होगी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की 3 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा सकती हैं, लेकिन एक सीट वो कहीं ना कहीं किस राज्य से निकालेंगे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना हो सकती है, जबकि 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी के कब्जे में जा सकती है। लोकसभा की सीटें काफी बड़ी सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी भी यहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 10 सीटों को लेकर जो चुनावी आंकड़ा हो सकता है, यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट जा सकती है झारखंड की, जबकि बायसर कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर बाय इलेक्शन को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन किसके साथ जनता जाएगी, आखिर क्या कुछ होगा, ये तो यहां पर 23 जून को ही पता लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विधान परिषद की उत्तर प्रदेश की 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी क्या वापसी कर पाएगी, या फिर लोकसभा की 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।